गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चिड़ियाघर यहाँ पे, और मांझी वाला जो चिड़ियाघर है यहाँ पे बिरसा जैविक उद्यान यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और अभी हमारा अमित यहाँ एक घंटे से लगभग वेट कर रहा था, इसको काफ़ी वेट करना पड़ा, गड़बड़ हो गया इसके साथ क्योंकि ये मिल नहीं रहे थे, मतलब गड़बड़ हो गया कि मतलब लोकेशन जो है सही से इसको हम पिक नहीं कर पाए, तो वो गलती हो गया हमारा, इसके कारण टाइम वेस्ट हो गया वहाँ पे, तो आने में टाइम लग गया जिसकी वजह से अमित को वेट करना पड़ा। अब बिट्टू और ओनिस आ रहे हैं, उन लोग को कितना टाइम लगता है क्योंकि वो थोड़ा सा धीरे चल रहे थे, पेट्रोल वगैरह भराना था, तो वेट कर लेते हैं उसके बाद फिर निकलेंगे। तो देख सकते हैं बिट्टू आ गया है यहाँ पे और लोग जा रहे हैं, और उधर ओनिस उससे मिलेंगे बाद में, मिलाते हैं। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, इसका जो मेन गेट है यहाँ पे, और रांची देख सकते हैं उधर से आए हैं, तो हम लोग को वहाँ से यू टर्न लेना पड़ता है, वहाँ पे देख सकते हैं आगे जो है टोल गेट है, ठीक है, इसके आगे टोल गेट है, और अभी हम रांची से आए हैं तो हम लोग को वहाँ से यू टर्न लेना पड़ा, उसके बाद फिर अभी देखिए सारी गाड़ियाँ इधर जा रही है यहाँ की, यानी कि अच्छा खासा यहाँ पर भीड़ लगता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे इस गेट से एंटर कर जाते हैं, लेकिन भाई ये जो कच्चा रास्ता है ना इतना ज़्यादा ख़राब है कि मतलब पूरा आपको धूल पड़ता जाएगा अगर आप बाइक में हैं तो, जैसे कि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा धूल पड़ रहा था और गड्ढा वो गड्ढा बहुत था, तो ये दिक्कत था। बाकी साइन बोर्ड वगैरह भी और आगे कुछ भी नहीं था, ठीक है, कम से कम साइन बोर्ड वगैरह देना चाहिए क्योंकि कहीं कहीं डबल रास्ता मिल जा रहा था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था हम लोगों को। बाकी हम लोग यहाँ पे फिर पहुँच गए पार्किंग एरिया में, और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना किस टाइप से पार्किंग यहाँ पे चार्ज वगैरह लिया जाता है। 20 रुपया टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का कितना लगता है भैया? 50 फोर व्हीलर का, ओके वेरी नाइस। यहाँ पे देख सकते हैं ये पार्किंग में कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और 50 रुपया लगता है फोर व्हीलर का, टू व्हीलर का 20 रुपया। तो भाई फ़ायदा उठाया ही जा रहा है, कहिए तो मज़ा है भाई, पैसे ही पैसे हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे, और ठीक ही है। अब आगे देखते हैं, बाकी रोड तो बहुत बेकार था, काफ़ी ख़राब था रोड। हाँ यहाँ पे, हाँ ये विधायक जी हैं हमारे अमित जी, ये रोड बनवाएंगे यहाँ पे। ये है हमारा एंट्रेंस का गेट, ये देख सकते हैं बांस का है, यहाँ पे यहाँ से घुसना, और ये है हमारा। तुम लोगों को कहाँ पे ले लें टिकट के लिए? बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगा हुआ, तो ये है हमारा यहाँ पे टिकट कटवाने का जगह, देख सकते हैं, और पता नहीं शायद घुसना है उसके लिए भी शायद चाय लग रही थी, मेरे ख्याल से कटवाना ही पड़ेगा, ऐसे घूम सकते नहीं घूम सकते वो पूछ लेंगे, ठीक है, कि सिर्फ जा सकते हैं नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, बस घूमना है मेरे को, ठीक है। एंट्री शायद वहाँ पे है जहाँ पे गार्ड खड़ा है, अंदर आपको अंदर राइडर्स में जाने के लिए, स्विमिंग पूल जाने के लिए वहाँ भी कॉस्ट्यूम लेना पड़ेगा। कॉस्ट्यूम अलग है, मतलब अलग से टिकट लेंगे ना, ये कॉस्ट्यूम लेना पड़ेगा, बाकी जो 500 ले रहा ना पूरा राइडर्स फ्री का। अच्छा यहाँ पे देखो प्राइस वगैरह लिखा हुआ है, थोड़ा दिखाओ जरा, दिखाओ। संडे सैटरडे के अलग से देते हैं ना? 600 रुपया और बाकी दिन के लिए 500 रुपया, अच्छा खासा महंगा है यार, शुरुआत में थोड़ा सा ऑफर वॉफर रखना चाहिए था। और बाकी बहुत सही जगह है, आ सकते हो यहाँ पे, थोड़ा सा कैमरा वैमरा घुमा सकते हो। रिया दिए 1000 रुपये, रिया दिए साहब, हम अमित को दे रहे हैं, अमित करवा दो, ठीक है, मेरे पिता भीख मांगते हुए मेरे पिता भीख मांगते हुए, मेरे पापा भीख मांगते हुए, हम भिखारी हो गए हैं यार। अभी एक अलग वीडियो बनाएंगे वो वाला मेन चैनल पे, बहुत बेकार है, रोना आ रहा है कसम से, अभी तक दिमाग टेंशन भरा हुआ है, मेरे पापा रोते हुए भीख मांगते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये है टिकट, यहाँ पे क्या नाम लिखा हुआ है देखिए, तरंग वाटर पार्क, इसको क्या इसको उखाड़ना है, ये वाला ना, ये वाला यहाँ पे उखाड़ लेते हैं, और देख लगाते पास सिस्टम भी है, पहले से पता रहता, देखा मैं जोगा होगा करते हैं, अच्छा पास सिस्टम है, नेताजी हो जाता टाइट मत कर जाता, नहीं तो फिर पता चला कि एक ही हो जाएगा, टूट जाएगा, हो गया। तो ये हमारा हो गया टिकट, अच्छा हो गया, आप भी चले अच्छा, क्या नहीं ले जा सकते वो बताइए, बैग दिखाइए,
खाने का कोई भी सामान नहीं है। बैग दिखाइए आपको। अरे बैग सामान अमित का और बिट्टू का ब्लॉगिंग चल रहा है। ओ भाई साहब दिखाओ दिखाओ थोड़ा सा अपना कलाकारी दिखाओ। तो चेक वेक हो गया हम लोग का बैग वगैरह। बैग में कुछ खाने पीने का सामान नहीं लाना है और हम लोग जा रहे हैं। ठीक है हाँ लूटने का पूरा प्रोग्राम यहाँ पे बनाया गया है एकदम भाई थोड़ा सा ऑकवर्ड भी फील होता है लेकिन अब आदत हो गया है। अच्छा लगता अब तो अच्छा लगने लगा है नॉर्मल हो गया। तो ये देख लो सब कोई यहाँ पे और एंट्री गेट देखना है और एंट्री गेट दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आज को एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे देखिए पता नहीं क्या है यहाँ पे बता देंगे बाद में क्या है। बाकी यहाँ पे लॉकर वगैरह बहुत सारा है यहाँ पे सामान वगैरह हम लोग रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सारा यहाँ पे लॉकर पड़ा हुआ है। लॉकर का जो चार्जेस है वो भी आपको 50 रुपये देना पड़ता है। बाकी यहाँ पे बहुत ही शोर है बहुत ही ज़्यादा शोर है यहाँ पे। अरे वहाँ से लेना होगा फिर यहाँ पे कॉस्ट्यूम भी लॉकर है यहाँ पे मतलब कॉस्ट्यूम का अलग चार्ज देने का है उसके बाद लॉकर का अलग चार्ज देना है। भाई हम लोग अपना पहन के नहीं डांस कर सकते हैं क्या? हाँ लॉकर से फ्लो होता कॉस्ट्यूम मतलब किस टाइप का कॉस्ट्यूम होना चाहिए? कॉस्ट्यूम लेना जरूरी है क्या? अगर आपके पास नायलॉन है अपर लोअर दोनों तो अलाउड है वो भी पास कर देगा गार्ड तक। अच्छा है मेरे पास है ओके चलो चलो अब लाइन में लगेंगे यार। कपड़ा चेंज करो हाँ कपड़ा चेंज कर लो तो लॉकर वगैरह लेगा तब ना। तो गाइस दिल्ली में जा रहा हूँ वैसे और अगर पूरा चेंज हो एकदम एकदम लॉक। बाथरूम यहाँ का बहुत ही अच्छा है यहाँ पे नहाने धोने का सुविधा है थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं बाथरूम बहुत ही मस्त है एकदम क्लियर पानी वानी है आराम से देख सकते चारों को। अभी खाली है इसलिए मैंने शूट कर लिया। तो गाइस सनराइज देख सकते हैं मैं टकला हो गया हूँ टकला मस्त लग रहा है ना अभी इसमें पूरा मस्ती करेंगे एक। अरे यार कौन फोन में परेशान कर रहा है रखो फोन रखो रखो आप ये लोग तीनों लोग बचा हुआ है। अच्छा चारों बचा हुआ अरे चल निकल चारों निकल ये लोग अभी जाएगा अपना करेगा चेंज करके जा जाओ मेरे को पूरा थमा दिया भाई रेल में। तो देख सकते हैं मेरा अमित आ गया है और अच्छा लग रहा फुटबॉल खेलने जा रहा है 57 नंबर फुटबॉल प्लेयर। तो देख सकते हैं हमारा और दो फुटबॉल प्लेयर आ चुके हैं। अबे तू सच में लग रहा फुटबॉल प्लेयर देख 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 गाइस ये फुटबॉल खेल रहा है। अरे ये गोलकीपर है ये हमारी भैया आ गई एकदम शॉर्ट पैंट पहन के गजब। अरे लेकिन जींस में अलाउ नहीं है जींस अलाउ नहीं है तो हाँ 2 करोड़ का हीरा भी है हमें अच्छा से लगाने किसी को विश्वास नहीं हुआ ड्रग्स भी है ड्रग्स सप्लायर तू फेमस हो गया क्या बोल दिया चप्पल जूता हम यहाँ पे रख रहे हैं 10 रुपये पैसा मांग रहा था एक जोड़ा का 10 रुपये मांग रहा था पैसा उतना नहीं है बहुत ज्यादा खर्चा हो गया यहाँ पे रख लिया है। अगर चोरी वोरी हुआ तो हम भाई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कहे कि हम लोग बर्बाद हो जाएंगे खाने को। तो भाई कटप्पा ए आज आ गया कटप्पा यहाँ पे कहाँ पे वाटर पार्क में आज के होगा यहाँ पे मार काट बाहुबली का ढूंढ के मारेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जो है पहला वाला है। अरे भाई साहब सब में बैग वैग तो है ही यार तो हमारा बैग वैग भी भींग जाएगा हम मस्ती कहाँ करेंगे शुरुआत से बताओ कहाँ से शुरू किया जाए मतलब हम कहीं जा सकते हैं ना ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि हमको पहले वहीं जाना है। हम लोग को लगता है पहले इसी में ट्राई करते फिर बाद में बड़ा बड़ा स्विमिंग पूल पहले इसमें ट्राई करें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस हाँ 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 पहले घूम के दिखा लेते हैं फिर रिव्यू दिखा लेते हैं यहाँ पर पूरा मस्ती कर रहे हैं भैया लोग किस तरह का भी यहाँ पर स्विमिंग पूल है लोग कितना गड्ढा है भैया? अच्छा उतना ही गड्ढा हमको लगा आप डूब रहे हैं चलिए हमको लगा डूब गहरा है। पानी कैसा है मतलब साफ है कि खारा है? खारा पानी है मतलब जाकर नहाना ही पड़ेगा ना। देखिए पानी बहुत ज्यादा गहरा है यहाँ पे जल्दी से नहीं आना है बहुत ज्यादा गहरा है ओ बहुत ज्यादा गहरा ओ भाई साहब फुल स्लो मोशन में ये वाला तो जाएगा एकदम अरे ये भी जाएगा गजब
लंच टाइम हुआ है इसलिए बंद है, पानी बंद हुआ है बाबू, लंच चालू हो जाएगा। अच्छा अभी लंच हुआ है, अभी पानी बंद है। तो गाइस देख सकते हैं कि अभी लंच टाइम है, तो अभी लंच टाइम हुआ है तो ये सब बंद हो गया, तो लंच टाइम जब होगा तो बंद हो जाएगा, आपको उस समय आराम करना है। बाकी यहाँ से कूदने का अलाव नहीं है, यहाँ से कूद नहीं सकते हैं, बोर्ड है जो बाद में लगा दिया जाएगा, लग जाएगा वो, अभी फिलहाल उतना वो नहीं है। और हमारा अमित नहीं रुक जा, देखो हमारा अमित यहाँ मस्ती कर रहा है, दिखाना चाहिए अपने तैराक का ये पहला। हाँ ये चाचा तुम्हारा, और ये भाई साहब लड़की वाला, लड़की वाला। ओ भाई साहब सीन तो बहुत बढ़िया है, और नहाने के लिए बहुत अच्छा जगह है। और ये है हमारा सीढ़ी, तो अगर आप भींगे पैर हैं तो यहाँ पे आराम से आइएगा, नहीं तो सर्वर फूट सकता है। और देख सकते हैं मैं तो टकला हूँ, और मेरा तो फूटेगा तो भाई समझ रहे हो, तो यहाँ आराम से चढ़ने का है इसकी सीढ़ी में, जैसे चढ़ना मैं बता रहा हूँ, है ऐसे हड़बड़ाने का नहीं। तो हम जा करके तुम लोग का लेते हैं कि कैसे उतरना है, हम ये ट्यूटोरियल दिखा रहे हैं उतरना कैसे, बताओ उतरना कैसे, कहते भाई इसे उतरना जन्नत है भाई। तो देख सकते हैं परियां यहाँ पे हैं बहुत सारी, अबे परियां पे ऊपर नहीं देख रहा परी, अबे क्या क्या गंदा आदमी करते हो यार। नहीं ऊपर देखो, एक परी, दो परी, तीन, चार, एक परा भी दिख रहा है भाई और तोता, तोता भी है, और स्लाइड होके आएगा। ओ हो हो, अबे अरे हम भी स्लाइड करेंगे, अभी टेंशन नहीं लेने का। ओ भाई साहब, अबे पानी चालू करवाओ यार, लंच टाइम कर रहा है भाई, कोई पानी खोल के चला जाता कम से कम, गजब बेइज्जती है। देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पे मस्ती हो रहा है, ध्यान से भाई साहब, मस्ती तो काफी यहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन वही कि भी पानी नहीं चल रहा है, ठीक है, काफी लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं देख सकते हैं, और आराम से, और वहाँ पे देख सकते हैं कौन है, तो ना हाथों से पकड़ ले रहे हैं, इसको पकड़ के जा सकते हैं, तेरा वाला वाला नहीं, तेरा वाला पानी चला जाएगा, पानी भी बंद है यार, कहाँ से मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा, काफी लोग यहाँ पे, काफी लोग, मस्त है जगह, बहुत मस्त है। इन पानी थोड़ा कम लग रहा नहीं, ओ कोई सामने रहेगा तो फूट फूट जाएगा रे। अभी खो गई थी यहाँ पे, देख सकते हैं इसकी मम्मी, कौन है इसकी मम्मी, कौन है, देख मिल गई मम्मी। ओ यहाँ पे भाई साहब स्टार्ट हो गया है अभी वाटर डांस, ठीक है, ये देख सकते हैं बारिश हो रही है, फिर से चलेगा वहां पे चलेगा पानी में डूब के।
तो गाइज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग मस्ती कर रहे हैं, कसम से बहुत ही मस्ती मतलब कर रहे हैं सच में हम लोग भी, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम लोग आए थे लगभग 1 बजे और समय का पता ही नहीं चला, और वैसे हम लोग 11 बजे आने वाले थे, तब पर भी टाइम वेस्ट कर रहे थे हम लोग। देख सकते कितना ज़्यादा मतलब फुल गोवा वाला मज़ा, चलिए आइए बताते हैं। बहुत मजा आ रहा है, देख रहे काफी भीड़ है भाई साहब, और बहुत ही मजा लग रहा है यार, पूरा मजा कर रहे हैं। उतना दूर नहीं जा सकते हम लोग, पास आईफोन है भाई, दूर नहीं जा सकते। क्या कर रहे हैं, स्लाइडिंग करने के लिए जा रहे हैं, और भाई ये स्लिपी है, थोड़ा सा आराम से है ना चढ़ना, आराम से, ये सब चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो पता चला वीडियो बनाते बनाते नीचे चले जाएंगे, ठीक है, बाकी ये लोग को डर लग रहा है, मेरे को तो एकदम नहीं कुछ भी नहीं, तो चलो चलते आगे। पूरा लाइन लगा हुआ है, इधर भी लाइन लगा हुआ है। अरे मेरे को रिकॉर्ड करना होगा ना, तो पहले तुम लोग को जाना पड़ेगा, हाँ चलो उसके बाद हम जाएंगे, फिर ये आएगी, रुक जाना रुक जाना। चल जा।
ये बोर्ड लेने के लिए हम लोग को लाइन में लगना पड़ेगा भाई साहब, लाइन बहुत ही लंबा है। यहाँ पे स्पेशली स्मोकिंग एरिया भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग वहाँ बैठकर स्मोक कर रहे हैं। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई कि यहाँ पे पानी में खेलने वाला चीज़ है, कोई स्मोक करके कोई नशा करके अगर इधर पानी में खेलेगा तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये मेरे को बहुत बुरा लगा। ये मिल गया है बहुत देर के बाद मिला है, बहुत देर के बाद। अब हम लोग चलेंगे ऊपर वाले में। चलो चलो हमारे बारी, चलो बैठ जा, आगे जा, बैठ 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 जाके बैठ ना, कम से कम बैठ, चल बैठ जा आराम से, घिसकना मत, रुक जा अभी, रुक जा, बैठ गया, अब मेरा बारी। तीनों खाली करवा दिए, तीनों खाली है, चलो इस बार रिकॉर्डिंग हो गया, इस बार हो गया हटो चलो, चल हो गया हो गया। ओ भाई साहब पूरा लाइन, ओ हमारा, चलो बढ़िया है बढ़िया है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड अनीस आ रहा है। अरे अनीस बाय बाय, आप थोड़ा निकल जाइए बाहर, अभी जा रहा है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये भी है, बहुत मस्त है बच्चों के लिए है ये चीज़, ये और वहाँ पे जो है ये दोनों बच्चों के लिए है, ठीक है। इसमें आपको बता दूँ गहराई बहुत कम है, यहाँ पे गहराई बहुत कम है। चलो यहाँ पे देखो भाई साहब, यहाँ पे पानी पे चल रहा है, जा जा गोजा गोजा गोजा, चलो साइड से निकलते हैं, ये भी है बच्चों के लिए। ये डक हाँ तू जैसे घुस जा, तू जैसे घुस जा, हाँ घुस, देखो मेरा बच्चा उधर से घुसेगा, हेलो मेरा बच्चा, डक से मेरा बच्चा डक से आ रहा है, बाकी है भाई साहब। हम लोग करने वाले स्विमिंग चैलेंज, हम लोग तीनों में होने वाला रियो और बिट्टू में, और मैं ही जीतूंगा,
ऐसा भी नहीं है, ये इवेंट हम किए हैं तो हम ही जीतेंगे। इवेंट इसने ऑर्गेनाइज किया है तो रेडी 3 2 1 गो। हम बाहर नहीं निकल रहे, पहले मेरा पाँव पकड़ ली, मेरा पाँव पकड़ ली। हेलो आंटी, हाँ तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, चलो ये लोग पानी में चलो। कौन सा पानी? ये वाला मजा आ रहा है वहाँ। यहाँ पे एक और है बच्चों वाला, बहुत ही मस्त एकदम शानदार। ओ भाई पानी पड़ रहा है। अरे क्या हो जाएगा, खराब थोड़ी हो जाएगा। चल आईफोन को भी बचा रहा है, अब भींगी जाएगा तो किस्मत खराब होगा भाई। ये देखो यहाँ का, ये यहाँ पे बच्चों के लिए है। नहीं, तुम जा, चलो ना साथ में करते हैं, ऐसे तुमको पीछे कर देंगे। चलो और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला है, यहाँ से देखिए पाइप से पानी गिर रहा, और यहाँ पे ये फिसल सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। और फिर दूसरा ये है जो कि छोटा सा है, तो बच्चों के लिए यहाँ पे अच्छा रहेगा, छोटे बच्चों के लिए। हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग के लिए भाई वो बड़ा वाला एकदम मस्त है मज़ेदार। यहाँ पे एक गुफा वाला है देख सकते हैं, अंदर इसमें जाएंगे। और दूसरा फिर ये इधर है बड़ा वाला, तो हम ये बड़े वाले में चलते हैं। बच्चा जाना है, तुमको जाना है उधर, जाओ। कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, नाक बंद कर लेना। जा रही है, हाँ अब वहां से हट जाओ। ये आ गए हमारे अमित दादा, अब चलो हम लोग चलेंगे यहाँ से। भाई चलो हट जाओ, हट जाइए वहां से, हट जाइए साइड। चलो अब चलेंगे इसमें, आ जा अमित। ये देखो ये वाला छोटा छोटा है, ये फिसल नहीं रहा है, इसको फिसला रहे हैं। ओ भाई साहब मजा नहीं आ रहा इसमें। अरे अबे लग जाएगा मेरे को, अरे गधा आदमी। ये देखो बच्चा वाला, कोई आना मत। अरे भाई साहब कोई है क्या। अरे चोट लगा है इसमें, भाग जाओ। एक ये है हमारा, इसमें पहले हम आ जाओ सबको, हम साइड में रहते हैं। हम लोगों का रिकॉर्डिंग हो रहा है, रेडी आ रहे। चला जा, रेडी। चोट लगता भाई साहब, हमें चोट लगता है। तो उधर वो नॉर्मल वाला बच्चा वाला, ये हो गया बड़ा वाला, और ये है अंधेरा गुफा वाला। अंधेरा गुफा इसलिए कहा कि पता चल जाएगा। ये जा जा जा, मजा आएगा तब तेरे को। जा रहे तू भी जा 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 जा। अब हम जा रहे, आ जा रहे। कंपटीशन करने वाले कि कौन पानी में ज्यादा रहेगा, पानी में रह सकता है। ओके।
ऐसा ना कि मोबाइल गायब हो जाए। कौन गायब ना भैया, मोबाइल देख लीजिएगा हम लोग पानी के अंदर। मर गया क्या? ओए पागला उठो, ओ उठो भाई, मर गया। अयो भाई साहब, ओ चलो दूसरा आओ, तीसरा आओ। बिन बिन बिन, ओ भाई कितने गाइस, अभी हम लोग करने वाले हैं ग्रुप ब्रीथिंग होल्ड चैलेंज, तो देखते हैं कौन ज्यादा होल्ड कर पाता है। लग रहा है कि हम ही जीतेंगे। हमारे को सब्सक्राइबर मिले थे। गाइस हम लोग फाइनली कपड़ा वगैरह चेंज कर चुके हैं और अब निकल चुके हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है और अब भूख बहुत जोर का लगा हुआ है, तो खाने के लिए जाना है। अब देखते हैं, यहाँ पे इतना महंगा था कि यहाँ पे हम लोग नहीं खा रहे हैं। और अमित कहाँ भाई? वो चले गए, अमित आ रहा है। बाकी देखो इसका ड्रेसअप का कितना रेटिंग करना है, कितना ड्रेस बैग में भर भर के लाई थी भाई। बैग भारी था, बैग भारी था, बस पता चला ड्रेस ही था।